पता चली थी। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम पुलिस के इदारे डीपीओ डेरा गाजी खान आरपीओ, आवाम के लिए एक बड़ा खुशखबरी। मैं मूसा चकरानी इस वक्त बात कर रहा हूँ, लोग मुझे जानते भी होंगे। ये जो हमारे इलाका से सिलसिला चल रहा है दरास खेतों में पुलिस के हदूद में, बीएमपी के हदूद में जो बदमाशी डकैती चल रहा था, इसमें इलाके के लोग और मैंने भी खुद इसमें दिलचस्पी लिया। हमारे जो इलाके के लोग हैं इश्तारी हैं, खुद पहले पहले जो पुलिस ने लोगों को खराब किया, खुदा बस मेरा भतीजा है, पुलिस ने नाजायज किया इब्तदा से। अब ये सिलसिला चल रहा था, किसी मुसलमान ने बीच में नहीं आया, सब कोई पुलिस की चमचीगिरी करता था। अब ये लोग हमारे साथ बैठे हैं, इनका मैं सब का ऐलान कर रहा हूँ। इन लोगों ने मेरी बात मान लिया, इन लोगों ने कहा कि बदमाशी डकैती नाजायज काम हम नहीं करते, सीमेंट फैक्ट्री की बात भी चल रहा था वो भी हम खत्म कर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स कोई भी अफसरान है हमारे इलाके के लोग हैं, इस बारे में वादा कर रहा हूँ कि ये हमारे जो आदमी हैं ये कोई गलत काम नहीं करेंगे, इसमें आपके साथ में वादा करता हूँ। जो लोग दूसरे करेंगे वो खुद जिम्मेदार हैं, हम अपने आदमी की बात कर रहे हैं। आज के बाद 2-3 दिन हो गए ये आदमी ने हमारी बात मान लिया, जो बदमाशी खत्म, फैक्ट्री की कोई भी तनाव चल रहा है वो भी खत्म, बाकी जो हमारे इलाके की दुश्मनी चल रहा है वो भी हम अब खुद उसका जिम्मेदार हैं। बाकी तमाम इदारे जो हैं हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, हमें तंग न करें, हम अवामी जो हमारे अपने मसाइल हैं या कत्ल है या कोई भी झेल झगड़ा है वो हम खुद खत्म करेंगे। इसके बाद हम नाजायज काम करेंगे, तुम खुद हमसे बात करें वो हम एक का दो देंगे। आइंदा के लिए हम हुकूमत से अवाम से सबसे मदद कर रहे हैं, जो बात पहले हुए वो खत्म करें, आगे के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, गलत काम हम कोई भी नहीं करेंगे। बाकी जो हमारे खिलाफ नाजायज पर्चे हैं वो तुमको मालूम है, जो मुखालिफ है उनको भी मालूम है, कितना आदमी बेगुनाह है कितना गुनाहगार है। हमारे एक आदमी ने गलत काम किया, 10 के खिलाफ पर्चे काट दिए गए हैं, इसलिए हालात खराब हुए। अब जो हमारे जितने भी बेगुनाह आदमी हैं वो खुद इंक्वायरी करें, हम बेगुनाह हैं, वो सारे हमारे केसेस जो भी हम खत्म करें। बाकी तमाम डीपीओ रेंजर्स के अफसरान, हमारे इलाके के जो लोग हैं आए बैठे, हम उनके साथ बात करेंगे। हम सब कुछ खत्म किया, आज के बाद आइंदा के लिए खुद भी अपना भी ख्याल करें, हमारा भी ख्याल करें। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।